गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक इट विल बी यूज इन अ मेजर सर्जरी। जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग मेजर सर्जरीज के लिए यूज करते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन इन अ एरिया और इट विल एबोलिश द पेन और डिक्रीज द पेन, डिमिनिश द रिफ्लेक्स एक्शन, रिड्यूस्ड पेन एंड इमोबिलिटी नॉन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी हमारा बॉडी मूवमेंट है वो इमोबिलाइज कंडीशन में चला जाता है और इट विल बी यूज इन अ लाइक अ मेजर सर्जरी एज वेल एज इट विल बी टॉक अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक। इट विल बी यूज इन अ दे विल बी यूज इन अ माइनर सर्जरी। वी हैव टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। इनहेलेशनल, जिसमें हमारे गैस और वोलेटाइल लिक्विड्स क्लास आती हैं, जिसमें हमारे गैस में हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, एसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन और सीवोफ्लोरेन। वेन वी हैव टू टॉक अबाउट इंट्रावेनस आईवी इन्फ्यूजन इंड्यूसिंग एजेंट्स, थायोपेंटोन सोडियम, मेथॉक्सिटोन सोडियम, विच वे बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट्स, प्रोपोफोल और एटोमिमिडेट। स्लोरा एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडाइजीपीन्स में डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलम। डाइजीपाम एंड लोराजीपाम मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामिन और ओपियाइड एनाल्जेसिया में फेंटानिल। दीज आर द होल क्लासिफिकेशन विच विल बिलोंग्स टू अ जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स इट्स अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक आर दोज ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन एज वेल एज कॉन्शियसनेस। जो भी हमारा पेन प्रोड्यूस हो रहा है रिवर्सिबल लॉस ऑफ, जिसमें हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शंस कॉज नहीं हो रही है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन एज वेल एज कॉन्शियसनेस, जो हमारी होल बॉडी को एनेस्थेटाइज कर देती है, तो वो जो होल बॉडी एनेस्थेटाइज हो रही है बिकॉज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक कंडीशन। इट विल कार्डियल फीचर्स की बात किया जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो प्रोड्यूसेस इट विल प्रोड्यूसेस अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन स्पेशली पेन एंड इमोबिलिटी एंड लॉस ऑफ बॉडी रिफ्लेक्स। हमारी बॉडी में कोई भी रिफ्लेक्स, कोई भी मूवमेंट इन द पीरियड ऑफ जनरल एनेस्थेटिक नहीं हो सकता है। माओ की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो भी मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन विच विल कॉल्ड अ मैक, इट विल डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। जो भी हमारी मैक की कंडीशन होती है कंसंट्रेशन, इट विल टोटली डिपेंड और डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक विच प्रोड्यूस इमोबिलिटी टू अ पेनफुल स्टिमुलस इन एल्वेलाई ऑफ 50% ऑफ पॉपुलेशन। जो भी स्टिमुलस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इमोबिलाइज हो रहा है, वो 50% पॉपुलेशन पे इमोबिलाइज हो रहा है। Then we have to discuss about the stages of general anesthetics. It will blocking irregular orders, higher functions blocked and lower functions blocked. जो भी हमारे general anesthetic की stages होती हैं, वो हमारे lower, higher और जितने भी हमारे functions होते हैं, उनको block कर देती हैं। Number one, analgesic. Number two, delirium. Number three, surgical. Number four, medullary paralysis. When we have to talk about the analgesic, it will start from beginning of anesthetic inhalation and lost up to the loss of consciousness. Pain in progressively abolish in the stage. जो भी हमारी stage है decreased form में आ रही है, उसको progressively decrease कर देता है. It's a starting stage, it's a beginning stage of inhalation. Then we have to, then patient remain conscious, can hear and see and feels a dream like state, reflex and respiration remains normal. This is difficult to manage. जो भी हमारी analgesic की condition की stage है, वो थोड़ा सा difficult होती है manage करने के लिए. इसमें patient जो होता है, वो fully unconsciousness नहीं होता है. थोड़ा सा consciousness उसमें रहती है, conscious रहता है. It will hear, जो patient हमारा वो सुन सकता है, फील कर सकता है, जो भी हमारी स्टेट रिफ्लेक्स हो रही है उसको फिलाइज और कॉन्शियस कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेलिरियम सेकेंड स्टेज, फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रिस्पायरेशन, एपरेंट एक्साइटमेंट इज सीन। जो भी हमारा बिगिनिंग रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, रेगुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, उसको हम लोग एक्साइट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। पेशेंट में भी शाउट, स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रीथ, मसल टोन इंक्रीजेस, वॉमिटिंग में अकर। जो भी हमारी वॉमिटिंग है, मसल टोन है, हमारी ब्रीदिंग कंडीशन है और जो हमारा स्ट्रगलिंग प्रोसेस है, इट विल बी अकर्ड इन अ डेलिरियम कंडीशन, डेलराइज कंडीशन में पेशेंट चला जाता है। देन सर्जिकल में जो भी हमारी सर्जरी का प्रोसेस हो रहा है, मैंने अभी बताया कि जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं इनका मेजर रोल होता है सर्जरी के प्रोसेस में, हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज करते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर रिस्पायरेशन टू सीजन ऑफ
स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इट हैज बीन डिवाइडेड इंटू फोर पेन्स, जो भी हमारे पेन है इट विल बी डिवाइडेड इन फोर पेन, 1, 2, 3, 4. वन में रोविंग बॉल आई बॉल, दिस पेन इज एंड वेन आई बिकम फिक्स, जो भी हमारी आई बॉल है वो फिक्स हो जाती है. लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्स, जो भी हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है वो लॉस्ड कंडीशन में चला जाता है. प्यूपिल जो है वो हमारी थर्ड स्टेज में प्यूपिल जो है वो स्टार्ट डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है. और लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, जो भी हमारा पावर ऑफ आईज है, जो भी हमारा लाइट ऑफ रिफ्लेक्स है वो हमारा लॉस हो जाता है. पीपल्स जो हमारी है, प्यूपल्स जो हमारी वो डायलेट कंडीशन में चली जाती है. और पेन फोर में इंटरकोस्टल पैरालिसिस कॉज हो जाती है, मतलब पेशेंट जो होता है वो फुली पैरालाइज्ड कंडीशन में, फुली एनेस्थेटिक कंडीशन में चला जाता है. लास्ट वन मेडुलरी पैरालिसिस, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग टू फेलियर ऑफ रिस्पायरेशन एंड डेथ. जो भी हमारा मेडुलरी पैरालिसिस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग कंडीशन होती है वो बहुत ही लॉस्ट कंडीशन में चली जाती है, जो भी हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस है. और इट विल कॉज और इट विल अटेन और इट विल बी ऑर्डर्ड और डिक्लेयर्ड द डेथ ऑफ द पेशेंट. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक. इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में भी गैसेस और वेपर फॉर्म, इट क्रॉस टू द एल्वोलाइड. द डेथ ऑफ एनेस्थीसिया डिपेंड अपॉन द पोटेंसी ऑफ द एजेंट एंड इट्स पार्शियल प्रेशर इन द ब्रेन, वाइल इंडक्शन एंड रिकवरी डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द ब्रेन. जो भी हमारे एल्वोलाई है, जो भी हमारा फार्माकोकाइनेटिक है इनहेलेशनल का, वो हमारे डेथ, जो भी हमारी एनेस्थेटिक डेथ है डिपेंड अपॉन द पोटेंसी ऑफ द एजेंट. अभी हमने बात किया था मैकेनिज्म में कि जनरल एनेस्थेटिक्स टोटली डिपेंड्स और डिपेंड्स ऑन द पोटेंसी ऑफ द पोटेंसी ऑफ द एजेंट. तो ये हमारा जो भी फार्माकोकाइनेटिक है इट विल बी टोटली डिपेंड ऑन द पोटेंसी ऑफ द ड्रग विच विल विद द चेंजेस ऑफ पार्शियल प्रेशर इन द ब्रेन. एल्वोलाई, रिवर्सिबल लॉस ऑफ ब्लड एंड ब्रेन. थैंक्स.